नमस्कार, मैं एसआर न्यूज से मैं रिजवी अभी मैं मौजूद हूँ एनएमसीएच में, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जायसवाल जी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं कोविड 19 पेशेंट के लिए, जो नहीं है उनके लिए भी है। अभी जैसा कि सबको मालूम है, इम्यूनिटी पावर लोगों के पास होना चाहिए, ये सबसे लड़ने में सक्षम है कोविड 19 के लिए। ये दवा है एस्केलेपियस कंपनी का वायरल डॉग। तो वायरल डॉग का यूज मैंने किया और मेरे परिवार में भी लोगों ने यूज किया, और एक तरह से मेरे पूरे खानदान में यूज किया, और कई डॉक्टरों को भी मैं ये दिया हूँ अपने कलीग लोगों को, और वो लोग यूज कर रहे हैं अभी भी। और इसमें हमने पाया कि जिनको हो गया है उनको उनके लिए दो बार लेने का मतलब जिनको हो गया है वो दो बार ले सकते हैं। हाँ, दो बार उनके लिए दो बार है, खाना खाने के बाद एक टेपी, सुबह नाश्ते के बाद एक टेपी, रात में खाने के बाद। तो और जिनको नहीं हुआ है उनको सिर्फ एक ही बार लेना है। और इस तरह से हम लोग करीब महीने भी से ऊपर हो गया इसको हम लोग यूज कर रहे हैं और अपने काम पे चल रहे हैं। अभी तक तो कोई कहीं से भी शिकायत का मौका नहीं मिला। रिजल्ट कैसा है एसएलएटीएस का? हाँ, ये वायरल डॉग का बहुत अच्छा रिजल्ट है। इम्यूनिटी पावर को ही मैंने इमेडिएट बढ़ा देता है, और इसका प्रयोग खास करके मैंने माइल्ड केसेस और मॉडरेट केसेस जिनका सीटी वैल्यू 11/25 भी था उनके ऊपर भी उपयोग मैंने किया है। सीरियस पेशेंट पे अभी तक मेरा उपयोग नहीं, अनुभव नहीं है। मतलब सिम्टम जो स्टार्ट होता है उस टाइम से लेने से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो माइल्ड केसेस और मॉडरेट केसेस में मैंने देखा है कि इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। कफ के लिए और सारा जो भी सिम्टम है, मुंह का स्वाद और सब सारा चीज जो है वापस आ जाता है। मेरा नाम डॉक्टर सीपी जायसवाल है। मैं यहाँ एचओटी पैथोलॉजी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना। नाम राकेश कुमार मंगलम हुआ, परिचय दीजिए। एक आयुर्वेदिक कंपनी है जो 100% अपना प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें इम्यूनिटी, इसके अधिक ये सारे प्रोडक्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर में क्या क्या चाहिए, सरकार का भी गाइडलाइंस आया है, तो हमारे कंपनी एनएमडी सीओ का एक छोटा सा प्रयास है कि हम अपने जो भी है वायरल के लिए उसके लिए प्रयास है ताकि इम्यूनिटी सिस्टम इतना हाई रखें कि लोगों कम से कम इफेक्टिव हो। ये जो वायरल रोग है सर, इसमें कुछ नहीं है, ये हल्दी है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, काली मिर्च है, जिंजर है, गिलोय है, ये सब चीजें मिलकर, अदरक है, लहसुन है, ये सब मिला के बना हुआ है, और इससे इम्यूनिटी सिस्टम काफी बूस्टअप रहता है। हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं हम अपने कई एक मित्रों को भी जो कि अच्छे रेपुटेटेड प्लेस पे हैं। कुछ दिन पहले हमारे चीफ पति थे डॉक्टर सीपी जायसवाल सर, उनको भी हमने दिया था, जो एनएमसीएच में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और उनके साथ बहुत से लोग इस प्रोडक्ट को आज यूज कर रहे हैं, और अच्छा उनका इम्यूनिटी सिस्टम है। आप देख सकते हैं, उन्हीं की जुबानी आप सुन भी सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एज ए इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट, और किसका नहीं सर, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें मुलेठी मिला हुआ है जो हमारे लंग्स, अश्वगंधा है जो हमारे लंग्स को क्लियर करके रखता है, हल्दी है जो हमारे पहले भी हमारे दादी माँ पिलाई करती थी दूध मिला के, तो हल्दी इसमें मिला हुआ है जो कि एंटीबायोटिक होती है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे काफी लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं, आप भी हो, यही हमारी रिक्वेस्ट है।